Assignment number 1.4. The radius of sphere R is measured with vernier caliper as R plus minus delta R is equal to 2.25 plus minus 0.01 centimeter. Calculate the volume of sphere. इसमें ये जो है इसकी मेन रीडिंग है और ये इसकी अनसर्टेनिटी है. नॉर्मली रेडियस मेयर कैसे किया हो गया वर्नियर कैलिपर से? रेडियस तो अंदर की चीज़ होती है, बेसिकली वो डायामीटर मेयर करते हैं वर्नियर कैलिपर से और उसको डिवाइड बाई टू कर देते हैं तो ये रेडियस आ जाता है. अब हमें मालूम क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. गिवन हम लोग निकालते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर, आर प्लस माइनस डेल्टा आर इक्वल टू 2.25 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है. और कहा गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मालूम करें और ज़ाहिर है उसमें भी अनसर्टेनिटी मालूम करनी है, तो ये वी प्लस माइनस डेल्टा वी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. और सोल्यूशन की तरफ आते हैं तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम का फार्मूला पता होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब. और हम लोग इस तरह लिखेंगे वॉल्यूम वी प्लस माइनस डेल्टा वी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 पाई की वैल्यू डाल दी 3.14 और आर की वैल्यू हमने यहाँ से डाल दी 2.25 प्लस माइनस 0.01 होल क्यूब. अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, याद रखें अनसर्टेनिटीज़ के केस में जब एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो डायरेक्टली ऐड हो जाते होते हैं, जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या पावर हो पहले चेंज करना पड़ता है परसेंटेज में. ये किस में है, 0.01 सेंटीमीटर में. अभी इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो पहले चेंज करते हैं 2.25 प्लस माइनस 0.01 को. 2.25 तो ऐसा ही रहेगा, प्लस माइनस जो अनसर्टेनिटी है वो चेंज होगी, 0.01 डिवाइडेड बाय 2.25 मल्टीप्लाई बाय 100%, और ये वैल्यू आ जाएगी 2.25 प्लस माइनस 0.44%. तो ये अभी हम लोग वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे 2.25 प्लस माइनस 0.44%. अब परसेंटेज में आ गई अनसर्टेनिटी, अब हम इस पर काम कर सकते हैं. तो इसको सब सॉल्व किया तो वैल्यू आ गई 4.186, अंदर की वैल्यू वही रही 2.25 प्लस माइनस 0.44% होल रेस्ट बार 3. नेक्स्ट स्टेप में हम गेम इस चीज़ को हटा देते हैं ताकि रश कम हो जाए जगह पे. 4.186, अब ये देखें जब हम लोग इसको खोलते हैं पावर वाली अनसर्टेनिटी वाले क्वेश्चन को, तो ये तो एज इट इज़ 2.25 होल रेस्ट बार क्यूब आ जाते हैं, क्या 2.25 रेस्ट बार 3, लेकिन अनसर्टेनिटी का रेस्ट टू द बार 3 नहीं आता बल्कि 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.44%. अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 2.25 का क्यूब आता है 11.391 और 3 मल्टीप्लाई बाय 0.44% हो जाता है 1.32%. नेक्स्ट 4.186 मल्टीप्लाई बाई 11.391 बन जाता है 47.7% और ये 1.32%. अब ये परसेंटेज को मैंने रेड इसलिए किया ताकि आपको याद रहे कि अभी हम लोगों ने शुरू में प्लस करने के लिए या अनसर्टेनिटी को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने परसेंटेज में लेकर आए थे. अब दोबारा जब इसको हम लोगों ने फाइनल करना है तो परसेंटेज का साइन को ख़त्म करके उसी फॉर्म में लेकर आना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ चले जाते हैं क्योंकि स्क्रीन के नीचे जगह नहीं है. 47.7 प्लस माइनस 1.32% क्या होता है, 1.32 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली वैल्यू से जो लेफ्ट में लिखी हुई है 47.7 यानी मेन वैल्यू से. इससे हमारी वैल्यू आ जाती है 47.7 प्लस माइनस 0.6 और हम लोग अब यूनिट भी लिख देते हैं वॉल्यूम. रेडियस चूँकि सेंटीमीटर में था, वॉल्यूम 3 टाइम्स होता है तो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा और यही हमारा आंसर है.